हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ तिल गुड़ पट्टी की रेसिपी। इसे कहीं कहीं पे तिल गुड़ चिक्की भी कहा जाता है। बहुत आसानी से इसको तैयार कर लेंगे। ये हम सिर्फ तीन चीज़ों से बना के तैयार करेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए तिल पट्टी बनाना शुरू करते हैं। तो तिल गुड़ पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ एक बड़ा कप बिना सिका हुआ तिल चाहिए होगा। एक छोटा कप हमें यहाँ गुड़ चाहिए और हमने यहाँ पे दो चम्मच शुद्ध देसी घी ले लिया है। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ ले ली हैं। तिल पट्टी बनाना शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी काम कर लेते हैं। तो यहाँ हमने घी ले लिया है और घी को हमें एक बर्तन पर लगा देना है। तो ये मैं प्लेट की पिछली साइड पर घी को लगा दे रही हूँ। ये प्रोसेस हमें तिलपट्टी बनाने से पहले ही करनी है क्योंकि इसके लिए हमें बाद में बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो ये आप एडवांस में करके रख लें। अब थोड़ा घी आप बेलन पे भी लगा दें ताकि जब आप तिलपट्टी बेलें तो आपकी तिलपट्टी ना प्लेट से चिपके ना ही बेलन से। तिल पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ तिल सेकनी है। तो गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें सारी तिल डाल दी है। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है और बिल्कुल धीमी आंच पे यहाँ तिल को सेकना है। तिल को आप बहुत ज़्यादा नहीं सेकें, अगर बहुत ज़्यादा सेकेंगे तो ये जल जाएगी और खाने में कड़वी लगेगी। तो आप बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक इसको अच्छे से सेक लें। मैंने यहाँ 2 से 3 मिनट का समय लिया है इसको सेकने में। तो ये सिक्के तैयार हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लूंगी। और दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। अब इसी कढ़ाई में हम यहाँ गुड़ मेल्ट करेंगे। तो ये 1 कप गुड़ लिया था, इसे गैस ऑन करके कढ़ाई में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को आपको ध्यान से लो कर देना है। तो ये सारा गुड़ हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद 1 चम्मच इसमें पानी डाल देना है। पानी आप बिल्कुल कम डालें, मतलब कि 1 ही चम्मच डालनी है। अब इसको मिलाते जाएंगे, आप कंटिन्यू इसको चलाते जाएं जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। आपको चमचे से इसे घुमाते हुए इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो आधा गुड़ पक के तैयार है। अब इसमें हम 1 चम्मच यहाँ घी डाल दे रहे हैं। मार्केट जैसी तिलपट्टी बना रहे हैं तो मार्केट जैसी शाइनी तिलपट्टी भी बनके तैयार होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इसमें घी का उपयोग कर रहे हैं। अब एक पानी की कटोरी लेके कुछ ड्रॉप्स हम यहाँ गुड़ की डालेंगे और चेक करेंगे कि गुड़ पक के तैयार हुआ या नहीं। तो अभी थोड़ा पकाना और बाकी है। देखिए कैसे गुड़ खिंच रहा है, इसका मतलब अभी गुड़ कच्चा है। तो आप कंटिन्यू इसको चलाते जाएँ, ध्यान रखें आपका गुड़ कढ़ाई से लगे नहीं। 2 मिनट और चला देने के बाद फिर से हम इसे चेक करेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, फिर से चेक करेंगे। तो अब फिर से हम इसमें 2 ड्रॉप डाल रहे हैं गुड़ की। 1 मिनट ठहरेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इसको ऐसे तोड़ के देखेंगे तो ये अच्छे से टूट पा रहा है, इसका मतलब गुड़ बनके तैयार है। जब आपका गुड़ अच्छे से बनके तैयार हो जाए उसके बाद आप इसमें सारे तिल डाल दें और जल्दी जल्दी से इसको चलाते जाएं। ये प्रोसेस आपको बहुत फास्ट करनी है, बिल्कुल भी स्लो नहीं रहना है, वरना कढ़ाई में ही आपकी तिलपट्टी जम के तैयार हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ा फास्ट रहें ताकि आपको ये अच्छे से जमाने का मौका मिल पाए। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी से सारा काम हो रहा है।
गुड़ और तिल्ली आपस में मिल चुकी है। फटाफट से इसको जमाएंगे। तो ये जो बर्तन हमने पहले से चिकना करके रखा था, इसके ऊपर हम यहाँ इसके मिक्सर को डाल रहे हैं। अब जल्दी जल्दी से बेल देना है, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ये सारा काम करना है आपको। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो आपसे ये बेलने में नहीं आएगी, तो गरम गरम में ही आपको सारी प्रोसेस करनी है। आप शेप कैसा भी बनाएं, बस काटने में अच्छे से आसानी से ये तिलपट्टी बन के तैयार हो जानी चाहिए। तो ये हल्के गरम में ही आप इसको काट दें, मतलब कि कट लगा के रख दें। तो हम यहाँ चौकोर शेप में इसको काट रहे हैं। तो ये काट के तो मैंने तैयार कर दी है, अब अभी थोड़ा गर्म है तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, एक घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये बनके तैयार है, तो आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, ये देखिए कैसे टूट पा रही है, बिल्कुल कुरकुरी बना के तैयार करी है। सारा कमाल गुड़ का ही है, आप गुड़ अच्छे से पकाएं तो आपकी तिलपट्टी बनके अच्छे से तैयार होगी, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।